हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड पेडियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो ये सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अडल्ट और चाइल्ड में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। चिल्ड्रंस और अडल्ट के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, एनाटॉमिकल डिफरेंस, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इसका मतलब है, एनाटॉमिकल का मतलब है कि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चिल्ड्रन का अलग होता है और अडल्ट का अलग होता है। उनकी कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव में आ जाता है कोई भी पर्सन है उसकी थिंकिंग, उसकी लर्निंग या ब्रेन से जितने भी ब्रेन की जितनी भी एबिलिटीज़ होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, वो चिल्ड्रन की अलग होती हैं और अडल्ट की अलग होती हैं। तो ऐसे ही चिल्ड्रन और अडल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। These all impact on the way illness and disease present in children and young people as well as the way healthcare is provided. इसी वजह से जो हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है अडल्ट्स को और चिल्ड्रंस को उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस को हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस। सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो कुछ सिस्टमिक चेंजेस की बात करेंगे हम, सेकंड हम साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात। एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन की बात करेंगे। न्यू बॉर्न जो चिल्ड्रन होता है, जैसे कि अभी डिलीवरी हुई है बेबी की और उस बेबी को हम न्यू बॉर्न कहेंगे, उसका जो हेड होता है, जो उसका सिर होएगा, वो उसका लार्जर होएगा और बहुत ज़्यादा हैवी होएगा एज़ कम्पेयर टू हिज बॉडी। मतलब जो उसकी ओवरऑल बॉडी होएगी वो इतनी ज़्यादा बड़ी या फिर हैवी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू उसका हेड। हेड ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन अगर अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स का जो हेड होता है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, उसकी मतलब बॉडी से ज़्यादा हैवी नहीं होता है हेड। आपको भी पता होगा बच्चों का जो सिर है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है और जो बड़े होते हैं उनका सिर इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती है। लेकिन अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो उनकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा थिन नहीं होती है। नेक्स्ट है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। चिल्ड्रन सेल डिवाइड मोर रैपिडली देन अडल्ट्स। जो चिल्ड्रन जो होते हैं मतलब छोटे बच्चे, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये बात सबको पता है कि जो हमारा चाइल्डहुड फेज होता है उसमें ग्रोथ हर एक ऑर्गन की, हर एक स्ट्रक्चर की और सेल्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो ये भी एक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है कि जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो चाइल्डहुड एज में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब अर्ली इन्फेंसी होती है, जैसे ही बच्चा जब पैदा हुआ है डिलीवरी के बाद, तो जब बच्चा रोता है तो उसकी आंखों में से आंसू नहीं आते हैं। देर आर नो टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। आंसू नहीं आते हैं जब वो रोता है। लेकिन जब अडल्ट रोते हैं तो उनके आंखों में से आंसू निकलते हैं, टीयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वो टीयर की फॉर्मेशन बाद में होती है, इन्फेंस जो एज होती है उस टाइम नहीं होती। जो लास्ट दे रखा है डिफरेंस वो है कि नो वॉलंटरी कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट। बच्चे का कोई भी वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, उसके आसपास कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई भी एनवायरनमेंट, कोई किसी भी चीज़ पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, बट ना ही उसकी खुद की बॉडी पे उसका कंट्रोल होता है। बट जब अडल्टहुड में जाता है वो पर्सन, तो अडल्टहुड में उसका वॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है अपनी बॉडी पे कि कैसे मूवमेंट करनी है या फिर कैसे चलना है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तभी वो सीखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमिक डिफरेंसेस की। सिस्टम वाइज डिफरेंस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन सारे सिस्टम्स के डिफरेंसेस होते हैं चाइल्ड में भी और अडल्ट में भी।
तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम में डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है कि स्किन में चेंजेस होते हैं, बच्चे की और अडल्ट की स्किन में चेंजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है कि जो मतलब बच्चा है उसकी लंग्स वगैरह इतनी अच्छे से मैच्योर नहीं होती हैं और उसका रेस्पिरेशन रेट बच्चों का ज़्यादा होता है और अडल्ट्स का कम होता है। रेस्पिरेशन रेट बच्चों से और उनकी जो लंग्स है वो अच्छे से मैच्योर हुई होती हैं अडल्ट्स की। ऐसे ही हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंसेस होंगे। हीमेटोलॉजिकल यानी कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी बॉडी के अंदर वो हीमेटोलॉजिकल सिस्टम में आती हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है अडल्ट और चाइल्ड के बीच में। यूरिनरी सिस्टम में आप बात कर सकते हो, जैसे बच्चा जो है छोटा बच्चा बहुत बार यूरिन करता है एक दिन में और उसका वॉलेंट्री कंट्रोल भी नहीं होता है उसके अपने यूरिन पे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वॉलेंट्री कंट्रोल हो आ जाता है स्पिंस्टर्स पे, प्लस वो खुद यूरिनेट करने लग जाता है, एक हैबिट हो जाती है उसकी, तो उसकी मसल्स वगैरह रिलैक्स अच्छे से होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं यूरिनरी सिस्टम में अडल्ट्स और चिल्ड्रंस के बीच में। फिर जीआई सिस्टम की बात करें तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सॉलिड फूड चबा नहीं पाते, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो 6 महीने तक तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं और फिर 6 मंथ्स के बाद वीनिंग स्टार्ट होती है सप्लीमेंट्री फूड ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। लेकिन अडल्ट्स जो उनका जीआई सिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता है तो वो कोई भी फूड खा सकते हैं। तो यही बात है कि जो बच्चों का जीआई सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं होता है, पर जो अडल्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन से रिलेटेड है, कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो बचपन में सिक्रीट नहीं होते हैं, कुछ अडल्ट में सिक्रीट होते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बचपन में बच्चा होता है चाइल्ड होता है इतना ज़्यादा उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर नहीं होता, इवन उसके ओवरीज टेस्टिस का साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मेंसुरेशन साइकिल भी अडल्टहुड एडोलेसेंट एज में आने के बाद शुरू होती है। और ये सारे जो मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं वो कुछ जो जितने भी सिस्टम है वो सारे इमैच्योर होते हैं बेबी के अंदर, बट जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती जाती है वो अडल्टहुड के पास जाता जाता है उसके सारे के सारे बॉडी सिस्टम मैच्योर होने लग जाते हैं, अच्छे से फंक्शन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात कर सकते हैं। मसल्स और हमारी बोन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंसेस होते हैं चाइल्ड और अडल्ट के बीच में, प्लस न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स में भी डिफरेंस होता है। और लास्ट है लिम्फोइड और इम्यून सिस्टम। बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। अडल्ट्स का इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए क्या होता है कि बच्चों को आसानी से बीमारी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये बात कर ली हमने सिस्टमेटिक डिफरेंसेस के बारे में। और नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। हमने बहुत सारे सिस्टम्स की बात करी थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या होगा। जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है वो स्किन से रिलेटेड है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो नॉन फंक्शनल होते हैं जब तक कि बच्चा जो है वो 8 साल का नहीं हो जाता। जब बच्चा 8 साल का होगा उसके बाद जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं वो अपना फंक्शन करना शुरू करते हैं और स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो इन्फेंट्स में ये जो ग्लैंड है वो नॉन फंक्शनल होता है, बट अडल्ट्स में ये एपोक्राइन ग्लैंड अच्छे से डेवलप हुआ होता है और इसका फंक्शन जो है वो अच्छे से होता है 3 रीजन्स में, एक्जिला, एरियोला और जेनाइटल एरिया में। नेक्स्ट कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा इजीली, उनके कुछ नाम दे रखे हैं जैसे कि लीनियर्स डिजीज, स्क्लेरेमा नियोनेटोरम, टीनिया कैपाइटस, टीनिया पैडिस। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो चिल्ड्रंस को काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर अडल्ट की बात करें तो ये हमने 4 डिस्कस करी स्किन प्रॉब्लम्स, ये अडल्ट्स में नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जो चिल्ड्रंस का रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। जो चिल्ड्रंस का रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 30-60 ब्रेथ पर मिनट, लेकिन अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो वो होता है 16-20 ब्रेथ्स पर मिनट। हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट रेट जो चिल्ड्रंस के अंदर होता है वो भी ज़्यादा होता है,
100 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है और अडल्ट्स में जो हार्ट रेट होता है या फिर पल्स रेट होता है वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो चिल्ड्रंस के अंदर रेस्पिरेशन रेट और हार्ट रेट दोनों ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। जो टिश्यूज़ होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के चिल्ड्रंस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो वो सफिशेंट अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना बॉडी को चाहिए होता है। बट अडल्ट्स के अंदर जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के टिश्यूज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं और जितना भी म्यूकस बॉडी को चाहिए होता है ये उतना प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है चिल्ड्रंस के अंदर, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर चला जाता है तो इतनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इनका कोई इतना कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होता है बच्चों के अंदर। बट अगर वहीं अडल्ट्स की बात करें तो अगर अडल्ट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ फाइट कर सके। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फीटल सर्कुलेशन के डिफरेंस के बारे में, बिटवीन अडल्ट एंड फीटल सर्कुलेशन करेक्टरिस्टिक्स। अडल्ट सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले और फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अडल्ट सर्कुलेशन में जो आर्टरीज अडल्ट सर्कुलेशन में, ध्यान रखिएगा इस बात को, और आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम दी हर्ट, यानी कि एरोटा, जैसे कि जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है और लेफ़्ट आर्टरिया होता है, लेफ़्ट आर्टरिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, यानी कि आर्टरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती हैं अवे फ्रॉम दी हर्ट। पर अगर वहीं अगर हम फीटल सर्कुलेशन में बात करें तो फीटल सर्कुलेशन, बच्चे के अंदर जो फीटल सर्कुलेशन चल रही होती है उसमें जो आर्टरीज हैं वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो सप्लाई करती हैं अवे फ्रॉम दी फीटल हार्ट, मतलब पूरी बॉडी में नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती हैं आर्टरीज। अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स नॉर्मल हमारे अडल्ट्स के अंदर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा हमारे राइट आर्टरिया में नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, बट फीटल सर्कुलेशन में जो वीन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हमारे हार्ट के पास। अगर गैसेस के एक्सचेंज की बात करूँ तो अडल्ट्स में की जो गैस एक्सचेंज होती है वो लंग्स के अंदर होती है, बट फीटल सर्कुलेशन में जितना भी गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो प्लेसेंटा के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रेशर की बात करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड पे प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट अडल्ट्स के अंदर, क्योंकि लेफ़्ट साइड, जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और पूरी बॉडी में वो एरोटा के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है अडल्ट्स के अंदर। लेकिन अगर फीटल सर्कुलेशन की बात करूं तो राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि राइट साइड से ही पूरी बॉडी में नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है आर्टरीज के थ्रू। तो ये हमने डिस्कस किया कि अडल्ट और फीटल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या था। ये डायग्राम दे रखा है, अगर आपको डायग्राम लर्न करना हो, एरोज दे रखे हैं, दिखा रखा है ब्लड कहाँ से कैसे जाएगा। अगर आप लोगों को फीटल सर्कुलेशन अच्छे से नहीं आती है तो इसको पहले फीटल सर्कुलेशन को अच्छे से कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आपको ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो समझ में आएंगे, वरना ऐसे समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगर हम हीमेटोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं हीमेटोलॉजिकल सिस्टम में चिल्ड्रंस में जो न्यू बॉर्न की आरबीसीज होती हैं वो माइक्रोसाइटिक होती हैं। माइक्रोसाइटिक का मतलब जो आरबीसीज का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, लेकिन अगर हम अडल्ट आरबीसी की बात करें तो उसका साइज़ मैक्रो होता है, यानी कि बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। अगर हम आरबीसीज के लाइफ स्पेन की बात करें तो अगर अडल्ट्स के लाइफ स्पेन की बात करें तो वो 100 टू 120 डेज होता है, उसके बाद आरबीसीज की डेथ हो जाती है, बट चिल्ड्रंस की जो लाइफ स्पेन होती है आरबीसीज की वो सिर्फ 60 टू 90 डेज ही होती है। और ब्लड वॉल्यूम जो है वो नियोनेट में 85 ml पर kg ऑफ बॉडी BW प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है चिल्ड्रंस में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि अडल्ट्स में सिर्फ 60 टू 70 ml पर kg ऑफ BW प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट हम यूरिनरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस की किडनी है वो इतनी इमेच्योर होती हैं कि जो यूरिन वो किडनीज बनाती हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, मतलब कि उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, इसीलिए बच्चे को बार बार यूरिन आता है। कि अगर किडनीज अच्छे से काम करे तो जो जितना भी यूज़फुल मटेरियल वो किडनीज हमारी बॉडी के अंदर रख लेती हैं और सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालती हैं, बट बच्चे की किडनी क्या होती है, इतनी मैच्योर होती है कि अच्छे से वो फिल्टर नहीं कर पाती और ज़्यादा यूरिन जो है वो बॉडी से निकलता है, तो यही है। बट एडल्ट्स में मैच्योर होती है और उनका फंक्शन प्रॉपर होता है, और चिल्ड्रंस में जो किडनीज का पार्ट होती है नेफ्रोन वो भी अच्छे से ग्रो नहीं होती ना फंक्शन कर रही होती है, बट अडल्ट्स में उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है नेफ्रोन्स की। और चिल्ड्रंस के अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी सुसू कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, बट अडल्ट्स की अडल्ट्स का कंट्रोल होता है उनके स्पिंस्टर्स पे, वो उस यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ही उसको यूरिन पास आउट करते हैं अडल्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं GI सिस्टम के, GI सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं चिल्ड्रन और अडल्ट्स के बीच में। इट इज़ क्वाइट रिलैक्स इन इन्फेंट्स एंड रिजल्टिंग इन फ्रीक्वेंट रीगर्गाइटेशन। चिल्ड्रंस में जो GI सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से अगर चिल्ड्रंस को कुछ ज़्यादा खिलाया जाता है तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। बट अडल्ट्स का जो कार्डिक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, जो स्पिंस्टर होता है उसका नाम कार्डिक स्पिंस्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है अडल्ट्स के बीच में, अडल्ट्स में, लेकिन चिल्ड्रंस में वो स्पिंस्टर इतना टाइट नहीं होता, जिसकी वजह से वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पूरा का पूरा चिल्ड्रंस का जो GI फंक्शनिंग है वो इमेच्योर होता है और इनवॉलेंट्री होता है। प्लस जो टिथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों के अंदर वो टेम्परेरी होते हैं, और जो बच्चों का स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, और उनके लीवर का साइज़ जो है वो 4% ऑफ देयर बॉडी वेट होता है। बट अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो उनका GI जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो पूरा प्रॉपर से होता है, उनके पास परमानेंट टिथ होते हैं, और उनका जो स्टूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं, और उनका जो लीवर का साइज़ है वो 12-13 टाइम हो जाता है जितना उनका बर्थ वेट था उससे। तो ये हमने बात करी GI के बारे में। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि चिल्ड्रंस के जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो अच्छे से हॉर्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, कम सिक्रीट होते हैं, और होम्योस्टेटिक कंट्रोल जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है अच्छे से, वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है। 12-18 मंथ्स तक जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल है वो अच्छे से नहीं होता, उसके बाद धीरे धीरे होने लग जाता है। लेकिन अडल्ट्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम है प्रॉपरली डेवलप होता है, प्रॉपरली हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जब भी बॉडी को उन हॉर्मोन्स की नीड होती है, और प्रॉपर मैच्योर होता है एंडोक्राइन सिस्टम अडल्ट्स का। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो गर्ल्स की जो ओवरीज का साइज़ होता है बर्थ पे वो 10 mm इन लेंथ होता है और 2-4 mm विड्थ होती है, और गर्ल्स में जो फंक्शनिंग है वो 12-13 ईयर ऑफ एज में स्टार्ट होती हैं, यानी कि अडल्टहुड जब अडल्ट एडोलेसेंस एज आने लग जाती है तभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होती है, उससे पहले अच्छे से डेवलप नहीं होता रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ओवरीज़ की डेवलपमेंट फॉल्टी हो गई है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई है ओवरीज़ के डेवलपमेंट में, तो प्यूबर्टी या तो डिले हो सकती है या फिर पहले आ सकती है, प्री प्यूबर्टी आ सकती है, प्यूबर्टी के जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसके बाद आएगी, डिले हो जाएगी या फिर पहले आ जाएगी। वहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो बर्थ के टाइम में मेल्स की जो टेस्टीज़ वगैरह उनका साइज़ भी काफ़ी कम होता है, 1.5-2 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है और 0.7-1 सेंटीमीटर विड्थ होती है। साइज़ जो है टेस्टीज़ का वो इंक्रीज़ होता है एज के साथ साथ, और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो टेस्टीज़ है वो मैच्योर होने लग जाती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बच्चों का है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, अडल्ट्स का स्ट्रॉन्ग होते जाता है टाइम के साथ साथ। चलिए अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है बच्चों का वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, बच्चों का जो स्कल होता है उसमें जो बोन्स होती हैं सूचर्स होते हैं वो यूनाइटेड नहीं होते, मिले हुए नहीं होते, बच्चों को फ्रैक्चर्स जो हैं वो होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और अगर फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाते हैं बच्चे।
और जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट के साथ साथ उनकी बोन की ग्रोथ होती है, बट अडल्ट्स में जो है उनकी बोन की ग्रोथ नहीं होती है। सूचर्स आप देख रहे हो जैसे कि फॉन्टेनल्स दे रखे हैं बोनी प्लेट्स के बीच में, वो क्लोज नहीं होते हैं प्रॉपरली चिल्ड्रंस के। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, जो न्योनेट्स होते हैं उनका जो ब्रेन का वेट होता है वो 300 से 500 ग्राम होता है, वहीं अगर हम अडल्ट ब्रेन के वेट की बात करें तो वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, यानी कि 3 times मोर होता है न्योनेट से। फिर उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्फेंसी में प्रेजेंट होती हैं बट अडल्ट्स में डिसअपियर हो जाती है क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप हो जाता है ब्रेन के ऊपर। विजन की बात करें तो आईज़ जो हैं वो एनाटॉमिकली इतनी मैच्योर नहीं होती और इतनी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं करती हैं बच्चों की, बट अडल्ट्स की आई बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है और अच्छे से फंक्शन करती हैं। हियरिंग भी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो लाउड साउंड है ना सिर्फ उसी को बर्थ के टाइम सुन पाते हैं, बट अडल्ट्स जो होते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो फुली मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और उनको अच्छे से सुनाई देती है लो पिच साउंड भी। ये कुछ रिफ्लेक्सेस दे रखे हैं बच्चों के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोइड और इम्यून सिस्टम की। जो मैच्यूरेशन है लिम्फोइड सिस्टम का वो वेरी करता है चाइल्ड की एज के साथ साथ। लिम्फोइड टिश्यू स्मॉल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं बर्थ के टाइम पे। इनका जो साइज़ है वो एज के साथ इंक्रीज होता है अप टू द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट हम साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो जो इन्फेंट होता है उसका उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो पेरेंट्स के साथ होती है, और अगर पेरेंट्स के से सेपरेशन हो जाए तो एनजाइटी हो जाती है बच्चे को। टोडलर एक ऐसी एज है जिसमें नेगेटिव बिहेवियर जो है वो बच्चे के अंदर आता है, वो स्टेज ही ऐसी होती है। प्री स्कूलर के जो बच्चे होते हैं उनको अटेंशन चाहिए होता है, प्लस वो इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। स्कूलर बच्चे की बात करें तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, एडोलेसेंस, आइडेंटिटी ऑफ पीयर, कंफ्यूजन, ये एक थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आप अच्छे से साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस लिख पाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बुक में भी है ये थ्योरी, प्लस CHN की बुक में भी है ये थ्योरी। आपने इस चैप्टर से पहले इस चैप्टर के बाद पढ़ोगे आप इस थ्योरी को तो वहाँ से आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी बच्चों की, जो बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते लेकिन बड़े जो हैं वो अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी एक थ्योरी है जिसमें 4 stages होती है सेंसोरी मोटर 0 to 2 years के बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल जो 2 to 6 years के बच्चे के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 6 to 12 years के बच्चे के लिए होती है, और नेक्स्ट स्टेज है लास्ट वन फॉर्मल ऑपरेशनल जो 12 years के बच्चे अडल्ट के से ऊपर वालों के लिए होती है। तो जो सेंसोरी मोटर फर्स्ट स्टेज है उसमें इन्फेंट जो है वो अपने जो उसके आसपास वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करता है थ्रू डायरेक्ट सेंसरी और मोटर कॉन्टेक्ट के साथ, और उसको अगर सेपरेशन हो जाए उसका उसके पेरेंट्स के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ जिससे वो बहुत ज़्यादा उनका उस बच्चे का लगाव है तो उसको एंजाइटी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं प्री ऑपरेशनल की। प्री ऑपरेशन में जो बच्चा है वो कुछ कुछ सिंबल्स यूज़ करने लग जाता है, वर्ड्स यूज़ करने लग जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बट क्या होता है कि वो ना लॉजिकली नहीं सोच पाता क्योंकि उसकी जो एज है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, 2 to 6 years का बच्चा है वो लॉजिकल नहीं सोच पाता है, कुछ वर्ड्स का यूज़ कर पाता है सिर्फ। और क्या होता है ये जो स्टेज होती है इसको हम ईगोसेंट्रिक स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा जो है वो लॉजिकली थिंक करना, सोचना, लॉजिक्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है और एक अच्छे से कन्वर्सेशन मतलब कि जो बातचीत चल रही होती है दो लोगों के बीच में वो अच्छे से उसको समझ पाता है और वो खुद भी कन्वर्सेट कर पाता है। उसकी जो वो कैब है वो भी डेवलप हो जाती है 6 to 12 years के बच्चे की। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल जिसमें जो एडोलेसेंट है वो एब्स्ट्रैक्टली रीजन करता है और थिंक करता है हाइपोथेटिकल टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं डिजीज से रिलेटेड। तो फर्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट।
चाइल्ड जो है, चिल्ड्रंस जो है, वो इजीली फ्लूड लॉस कर देते हैं क्योंकि उनको वोमिटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है उनका जीआई सिस्टम का कार्डिक स्पेशर लूज़ होता है, इसीलिए उनको वोमिटिंग ज़्यादा होती है, तो बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। नेक्स्ट बात करें रेजिस्टेंस टू डिजीज़, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसीलिए उनको क्या होता है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मदर का जो फर्स्ट 3 डेज़ का मिल्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो उनको पिलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ इन चिल्ड्रन आर डिफरेंट, जो चिल्ड्रंस के अंदर साइन और सिम्टम्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। समरी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि बहुत सारे 3 मेजर टाइप के डिफरेंसेस होते हैं अडल्ट्स और चिल्ड्रंस के बीच में, कुछ पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सिस्टम वाइज हमने डिफरेंसेस की बात करी। ये डिफरेंसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में 15 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि अडल्ट और चाइल्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ता है। आई होप आप लोग सभी लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो, और अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।